गाड़ी खराब वाली अंदर वाली। क्या खराब है? गाड़ी अंदर वाली। तो भाई मैकेनिक ने बताया कि गरारी इसकी जो अंदर की होती है वो खराब हो चुकी है। भैया ये सुजुकी हयाते की गरारी नहीं लग रही, टीवीएस ही रहता है। पर सर वो जो स्पोर्ट सिटी आती है उसका कुछ नहीं हो सकता, लग जाएगा अगर। भैया मैकेनिक बता पाएगा, मैकेनिक कंपनी में देखा भी देगा, बताएगा लग जाएगा। भाई अभी तो इन्होंने बता दिया है कि ये जो आपने सुनी लिया हो, अभी चलते हैं मैकेनिक के पास, उसको ही बात करते हैं उससे क्या होता है। लो भाई फाइनली अपना काम हो गया और बहुत ही सस्ते दामों में हो गया यार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। सो गाइस आज जो अपना एक ब्लॉग है वो भाई सुजुकी हयाते के ऊपर है। एंड सुजुकी हयाते में भाई साहब आज हो चुकी है एक बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, एक बहुत मेजर तो नहीं कहेंगे, माइनर सी है, पर जो प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है मुझे। क्यों? क्योंकि यार इसका जो फ्रंट का व्हील है ना वो जाम हो गया था बिल्कुल। वो इधर आपने अगर आज जो डेट है वो है 26 तारीख यानी कि 26 जून 2023 और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो भाई मैकेनिक ने बताया कि गरारी इसकी जो अंदर की होती है वो ख़राब हो चुकी है, अब वो गरारी चेंज करवानी पड़ेगी। तो भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसकी गरारी कैसे चेंज होती है, क्या होती है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास भी सुजुकी हयात है और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग भी भाई मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। एंड किस तरीके से गरारी चेंज होती है, क्या होती है, कितने की आती है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी। एंड बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि ये देखो ये रखा है पेट्रोल। एंड आप लोग समझ गए होंगे, अगर जो मेरे भाई पुराने हैं वो जो जुड़े होंगे, तो भाई मैं इसका जा रहा हूँ एवरेज टेस्ट करने। 28,000 किलोमीटर प्लस गाड़ी चल चुकी है एंड मुझे लगा कि अब थोड़ा देखना चाहिए। मैंने जब लास्ट इसका एवरेज टेस्ट और माइलेज टेस्ट जो भी आप बोलो वो जब मैंने किया था तो उस समय शायद ये गाड़ी 22,000 या 23,000 प्लस थी, पर अब मैंने सोचा कि 28,000 प्लस हो चुकी है गाड़ी किलोमीटर। तो भाई मैंने सोचा कि चलो इसका एक बार और एवरेज टेस्ट निकाला जाए। बाकी तो अपने अपने आप लोग ओपिनियन देते रहते हो कमेंट्स में, कोई कहता है भाई मेरे 80 आ रहा है KMPL, कोई कहता है मेरा 60 की KMPL है, कोई कहता है 50 की है। मेरी बाइक की तो पाई 85 की है, मतलब 50 और 51 किलोमीटर मान के चलो, मतलब कि अगर सिटी में ये 50 तक दे देती है एंड हाईवे पे 52 दे देती है। पर मुझे अब एक बार फिर से देखना है इसका सिटी का, देखना है माइलेज कि भाई कितना माइलेज दे रही है बढ़िया से। तो इसका सिटी हाईवे का दोनों का ही हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, वो ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद ही आने वाला है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लाइक कर दो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए और इन्फॉर्मेटिव लगे। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है भाई साहब उसमें, तो बस चलते हैं एक बार आप लोगों को बाइक चेकआउट करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं मैकेनिक। सो आप लोग एक बार बाइक को चेकआउट कर लो। बाइक थोड़ा सा यार गंदी है, तो थोड़ा सा क्योंकि मैंने अभी बताया बारिश का मौसम था एंड अभी इस समय अगर मैं किलोमीटर की बात बताऊं कि यहाँ पे देखो किलोमीटर इतने हो रखे हैं इसके, कुछ 28,246 किलोमीटर चल चुकी है। तो जो गरारी में प्रॉब्लम मतलब जो आ रही है ना, ये जो वायर होता है इसका, ये जो वायर होता है स्पीड मीटर का, उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये तो शायद बैटरी से इसका अलग फंक्शन रहता है। अच्छा ठीक है, बाकी सब चल रहा है। देखो इंडिकेटर इधर का फंक्शन चल रहा है, बस ये पूरा जो तीन फंक्शन मतलब दो फंक्शन है ना इसमें, एक तो स्पीडोमीटर मतलब स्पीड नहीं बता रहा है, सुई नहीं चल रही है, और दूसरा ये जो डिजिट होती है ये भी रुक चुकी है। तो भाई अब फटाफट से चलते हैं एंड मैंने फिर से आप लोग बता देता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है अपना इस पर माइलेज पे, देख लो इधर भी पेट्रोल वेट्रोल सब रखा हुआ है। चलो जी चल। गाइज अभी हम निकले हैं अपनी गाड़ी लेके, तो अभी मैकेनिक ने बताया है कि इसकी गरारी ले आओ जाके मार्केट से। तो यहाँ पे देखो TVS और सुजुकी का दोनों का बना हुआ है, तो मैं यहाँ से एक बार पता करता हूँ कि यहाँ पे जो दुकान है तो अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा।
भैया ये सुजुकी है यहाँ पे की डरा भी नहीं लगे TVS ही रहता है। तो अच्छा वो जो स्पोर्ट सिटी आती है उसका कुछ नहीं हो सकता लग जाएगा अगर आइडिया नहीं है मकैनिक बता पाएगा मकैनिक कंपनी में बैठा भी जाएगा लग वो बताएगा कि लग जाएगा। अच्छा वैसे गरारी कितने की आती होगी TVS उसकी स्पोर्ट सिटी की स्पोर्ट सिटी मीटर गाड़ी हाँ मीटर गाड़ी कंपनी की 120 की है। तो वायर होते हैं ये क्या होता है गरारी जरारी में भैया एक वो गियर टाइप का होता है प्लास्टिक हाँ। का उसके साथ एक घिरी लगी होती है जो मीटर के बीच में लगी मीटर केबल में लगी होती है वही नाचती है हाँ। तो वही उसका स्पीड दिखाता है टेप का डिफरेंस है अगर हाँ, हम अगर हम ले लें आपसे और मकैनिक को अपने दिखा दे रहे हैं अगर लग जाए खुलने के बाद भी बात लगेगा। अच्छा अच्छा भाई अभी तो इन्होंने बता दिया है कि ये जो आपने सुनी लिया होगा अभी चलते हैं मकैनिक के पास उसको ही बात करते हैं उससे क्या होता है। तो अभी यहाँ आए हैं बंसल के यहाँ एंड इनके यहाँ देखते हैं क्या हयाते का वो होगा गरारी मीटर की तो गाइस देखो ये मिली है अभी तो फिलहाल ये है गरारी देखते हैं ये लग जाती है कि नहीं लग जाती है ओरिजिनल तो नहीं है सुजुकी की पर सोबटी ऑटो एजेंसी ऐसे के आर की है कोई ऐसी इस टाइप की कंपनी की है। चलो इसको लगवा के देखते हैं देखो हम यहाँ खुलवाते हैं देखते हैं क्या होता है भाई गरारी क्या होती कैसे होती देख लो भैया। अच्छा जो इसके अंदर का जो वायर पड़ा है वो सही है अच्छा पहले ब्रेक खोलना पड़ेगा अच्छा ये मतलब टायर क्यों जाम चल रहा था टायर ब्रेक जाम टाइट हो गई थी ज़्यादा अच्छा नहीं वो तो थोड़ा टायर थोड़ा मतलब टाइट वो ब्रेक टाइट करवाना ही था ना और कुछ ज़्यादा ही हो गया जापान का है ना पेच इंडिया का होता तो खुल जाए इतना बड़ा होता जापान की चीज छोटी होती है ना ये देखो इतना छोटा ये अंदर क्या पीला पीला ग्रीस है या क्या है ये मतलब क्या जंग लगते हैं बालू लग रही है बिल्कुल अच्छा ये इसके अंदर चली जाती है तो ये खुलेगा इसका हुड है ये खुलेगा बस यहीं से काम हो जाएगा ये देखो ये ब्रेक शूज़ हैं भाई इस गाड़ी के जो अभी बहुत सही हैं चलो जी गाड़ी अपने भैया भाई ये कितना छोटा सा पेच है वो उसने परेशान कर दिया भाई जो अभी लगाया जा रहा है अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था छोटा था बिल्कुल ये पेच अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बारी
चलना निकल। हाँ चल चलना। हाँ और चलो दे और चलाओ चला। हाँ मीटर पे चल रहा है, बाकी एक बार ये देगा। चलो जी लो जी लो, फाइनली अपना काम हो गया है, यहाँ डन। घूम रहा अगली ब्रेक तो पूरी टाइट ही नहीं हुई भाई। रुक जा रुक जा, एक सेकंड थोड़ा टाइट करना, हल्का सा बस बस बस, पहिया जाम ना हो बस, इतने में कर। लो भाई फाइनली अपना काम हो गया और बहुत ही सस्ते दामों में हो गया यार, 50 रुपये में, मतलब इसका गरारी आई है, बाकी 20-30 रुपये जो भी वो ले लेंगे। तो भाई अपना काम हो गया यार, मतलब कंपनी में मैं गया था ना, तो कंपनी भाई साहब इन्होंने बता दिया था कि थोड़ा महंगा बताया था कंपनी वालों ने, और कहा था टाइम लगेगा, पर भाई अपना लोकल मैकेनिक जिंदाबाद। चलो एक बार आप लोगों को मीटर दिखा देते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जी देख लो यहाँ मीटर रनिंग कंडीशन बढ़िया चल रही है, मीटर की जो कंडीशन है देख लो भाई साहब, बढ़िया हो गया। तो गाड़ी तो अपनी बढ़िया हो गई भाई, पर बाकी हमें अपने यहाँ पे जो डिक्की का ये बोर्ड है आप देख सकते हो ये ढीला हो गया, ये टाइट करवा देते हैं, एंड पिछला 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 ब्रेक टाइट करवा लेते हैं भाई। फाइनली अपनी बाइक का काम हो चुका है, एंड यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भाई मेरी बहुत गंदी, मतलब पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत गंदी आएगी। तो भाई अपना फाइनली काम हो चुका है, देख लो भाई एक बारी, एंड मस्त सा काम हो गया। इधर से भी अपना सब लग गया है, ब्रेक एक कहिए जो टायर था वो फ्री हो चुका है, मीटर आप लोगों को दिखाई दिया, रनिंग कंडीशन बढ़िया हो चुकी है, इसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं, सुई और डिजिट दोनों चल रही है, बाकी पिछला ब्रेक जो था वो भी टाइट करवा दिया है, एंड बाकी सब ओके हो चुका है। सो गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ, एंड मैंने पूरी गाड़ी अभी साफ़ भी कर दी है, थोड़ा सा पानी वानी से डाल के, जैसे कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, एंड जो इसका पूरा काम था वो मैंने अपना कंप्लीट करवा लिया है, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि कितने का काम हुआ है। तो भाई देखो 50 रुपये अंकल ने ले लिए और 50 रुपये का करा दिया गया, तो 100 रुपये में पूरा अपना काम हो गया। यही मैं अभी एजेंसी गया था, तो भाई साहब वहाँ पे अच्छा खासा, मतलब ये समझ लो 200 रुपये तो देने पड़ जाते हैं मैकेनिक को, एंड उसके बाद भी सामान मिलता नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं है। तो अपना मेन है ये है, काम हो गया, अब अपना सही से अपना मीटर वीटर आराम से चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब दूसरी बात मैं आप लोगों को कर लेता हूँ, मैं इस गाड़ी को बेचना भी चाहता हूँ, तो भाई इसके ऊपर भी एक ब्लॉग मैं लाऊँगा, एंड अभी अपना एवरेज का भी ब्लॉग आने वाला है, इसके जस्ट बाद जो आप ब्लॉग देखोगे वो आपका एवरेज का आएगा। तो भाई इसके एवरेज का ब्लॉग देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है भाई, मुझे जो भी हो एक्साइटेड भाई देख लेना ब्लॉग। एंड बाकी मैं इसको बेचना चाहता हूँ, क्यों बेचना चाहता हूँ उसके रीजंस मैं आप लोगों को उसी व्लॉग में बताऊँगा, तो बस बने रहो, एंड वीडियो को लाइक कर देना यार अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा मदद मिली हो आप लोगों को, एंड बाकी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बस बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच गाइस ये पूरा व्लॉग देखने के लिए।